रांचू, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, मैं उसकी तह तक जाकर रहूंगी और ये वादा है मेरा तुमसे। क्यों बानी, क्यों? जो जैसा उसे छोड़ दो ना, तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज, ये सब क्यों कर रही हो? छोड़ दूं? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मेरा गिफ्ट छोड़ दिया। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई थी उस रात, जिस रात तुमने वो चांद वाली ट्रिप की। लाई थी मैं वो तुम्हारे लिए गिफ्ट, तुम्हें नहीं चाहिए? गिफ्ट तो इतनी आसानी से थोड़ी ना दूंगी मैं। विरांचु, जो तुम्हारे साथ हो रहा है, मैं उसकी तह तक जाऊंगी, उसका हल निकालूंगी और उसके बाद मैं तुम्हें वो गिफ्ट दे दूंगी। यस। क्या है, कोई रिएक्शन ही नहीं है? पता नहीं तुम इतने अखड़ हो, इतने रूड हो ना, उसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ इतनी अच्छी क्यों हूँ? मैंने तुम्हें मनाया, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई। यू नो व्हाट, शायद मैं नागिन हूँ ना, इसलिए मैं अच्छी हूँ। हम सब सबके साथ अच्छे होते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? थैंक यू। एक इच्छाधारी की इच्छा जो पूरी की तुमने। मैं कब से सोच रही थी कि वो तुम्हारा जो ये मिस्टर चुंबक वाला रिएक्शन है, एक्शन है, वो मैं कब देखूंगी? चुंबक वाला एक्शन? उस रात जब मैं हिप्नोटाइज हुआ था, तब मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने क्या क्या कहा तुमसे? पहले दिन से लेकर अब तक हमारे बीच में कुछ नहीं था। जो था बकवास था, झूठ था सब कुछ। I'm sorry अगर मैं कुछ गलत किया हो, तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची, I'm really very bad। बोलो, सुन रही हूं मैं। पूरा नहीं बोला तुमने सॉरी। जब तक तुम मुझे सॉरी नहीं बोलोगे, तब तक मैं तुम्हें माफ कैसे करूंगी? बोलूंगा गिफ्ट मिलने के बाद। ओके, डन, डील। क्या घाव और गहरा हो गया था? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो अजीब से दिखने वाले जीव, वो शतपति जैसे दिखने वाले जीव, वो आए क्यों थे? ऐसा लगा कि इरादी, आपने एक बात पे गौर किया? उन्होंने हमें ऐसे पकड़ के रखा था, लेकिन हम पे कोई जानलेवा हमला नहीं किया, हमें मारा नहीं। वरना जय के आने से पहले तक तो वो हमें मार चुके होते, और ऐसा हुआ नहीं। और फिर तो जय आ गया और फिर जय ने उन पर कुछ जादू जैसा किया। पंडिताइन का मैसेज आया मंदिर से, कुछ तस्वीर जैसी भेजी है, ये लहसुन क्या? मैंने उन्हें बताया था इसके बारे में, इन अजीब जीवों के बारे में। उन्हें भी लगा था कि वो शतपति हैं। शतपति को कच्चे लहसुन और केसर की लड़ियों से काबू किया जा सकता है, और कभी कभी वो पानी के आगे भी कुछ नहीं कर पाते। पानी, पानी जय के हाथ में कल पानी ही था क्या? हाँ, मुझे अच्छे से याद है, कल रात को जब जय आया था तो उसके हाथ में एक छोटी सी पानी की बोतल थी, जिसे वो चारों तरफ छिड़क रहा था, और जैसे काबू कर रहा था वो उन शतपतियों पे, और आंखों से उन्हें शांत भी करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, जैसे हिप्नोटाइज किया हो या कुछ। अरे, ऐसे कैसे जय को, कैसे ये सब? पानी, हुआ क्या है? जय number you are trying to call is currently not reachable.
सुन, इसका मतलब जय को पहले से पता था क्यों जीवों को काबू कैसे करना है। इस सब के पीछे जय है, वो हिलाया था उन जानलेवा जीवों को। जय, तुम्हारे वजह से मेरे वीरांचों को घाव मिला है। हाँ, तुझे कहा है ना मैंने, तू घर बैठ के आराम कर, मैं और दक्षिण मीटिंग करके आता। तपिश भाई, मैं जानता हूँ कि डैड और चाचू हमसे छिप कर वो इलीगल काम करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि इस इन्वेस्टमेंट में ऐसा कोई झोलो, इसलिए मैं साथ में आ रहा हूँ। ओके वीर, तेरी तबीयत खराब है ना, तुझे समझा रहा हूँ मैं, इसलिए मैं। तपिश भाई, बड़े पापा और डैड अंदर बुला रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी के लिए। चलिए जल्दी जाइए, गाड़ी आप ही को चलानी, जाइए जाइए, मैं आके बात करूंगा। हां जल्दी, और जल्दी आइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। दिखता नहीं क्या? ओए वीरू, डर गया क्या बेटा, पहचाना नहीं क्या? पारिक ब्रदर्स, पूरी पलटन के साथ आए हैं बेटा। किस खुशी में आए हो? अरे वाह, मतलब हमने सही सुना था भाई, ये वीरू सिंघानिया पपलू सिंघानिया बन गया है। अले 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 अले। Exactly. वरना अब तक की बात नहीं, धूम धड़ाम निशुम कर रहा था। भैया हम तो डर गए, मैं तो डर गया, डर गए भाई हम तो, डर गए। आजा आजा, वो बनना ठीक है, ले ले ले। अरे वो चाबी जी, चाबी दे वरना। वरना क्या, फट जाएगा बस करके। अरे कहा गया वो तेरा? ओहो, इसको एक छोटी सी खरोच ने बीगी बिल्ली बना दिया। अरे मेरे को तो लगता है खरोच ने नहीं, इसको इसकी शादी ने बीगी बिल्ली बना दिया। सही बोला बिल्कुल भाई। वैसे आजकल हमने सुना है बीवी रखी है क्या लड़ने झगड़ने के लिए? हाँ, बुलाओ भाई बुलाओ, हमें भी तो दर्शन कराओ कैट वुमेन के। अरे सर गुस्सा हो जाएंगे तो। सीरियस, बिल्कुल सीरियस, सॉरी। वैसे सुना है और तो काफी है। शट अप। ओह लगी लगी, जली जली जली। क्या नाम से बुलाते हो उसे? बेबी, बेबी या हॉटी? हॉटी, आ जाओ जी, आ जाओ बाहर, आ जाओ। हटे, अरे कहाँ हो? अरे बाहर आ जाओ, हम इधर खड़े हैं भाई। अरे ये क्या करेगा ठंडा आदमी, असली मर्दों से मिलो भाई। अबे बोला था ना बीवी को बुला ले, समझ नहीं आता तुझे? सुन, तेरा डाइवोर्स नहीं करवाएंगे हम। वानी क्या हुआ, कहाँ थी तू? कुछ नहीं, कच्चे लहसुन और जमीन पे पानी भी फैला हुआ था जय के कमरे में। लेकिन जय को कैसे पता चला कि इसका मतलब जय? मैंने जय को समझने में दोबारा दोबारा बहुत बड़ी भूल कर दी। मुझे लगा था पिछले कुछ दिनों में वो बदल गया है, सुधर गया है, लेकिन मैं पागल थी। और उसके लिए मैं वीरांशु से लड़ी, और जबकि वीरांशु बिल्कुल सही था, जय भरोसे लायक कभी था ही नहीं, सिर्फ धोखा करना चाहता है, और उसने वही किया। और वीरांशु के साथ पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हो रहा ना, सब जय की वजह से हो रहा है। इसे तो जय अपने कमरे में नहीं है। तू अब क्या करेगी तू? सबसे पहले तो जाके वीरांशु को सब कुछ बताऊंगी। भाभी, वीर भाई बाहर ही है। हाँ मुझे पता है, इसे मैं लॉन में जा रही हूँ। लॉन में नहीं, he's leaving. वो तपेश भाई और दक्ष के साथ ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है। ले 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 ले, इतनी जोर से ले ले ले, कैच। लगी 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 लगी। आज तुझे तेरी औकात दिखाते हैं। अरे इसकी बीवी को बुलाओ, आज उसका सुहाग लूटने वाला है।